लेडी डॉन भी मेरे अंदर है। वो स्त्री मत जाना। आप ऐसे पिटवाने वाले क्वेश्चन मत किया करो, घर भी जाना होता है वापस। ट्रेलर में भी है ना वो, अब लगे ना असली राजकुमार। एक्चुअली एज एन एक्टर आई थिंक दैट ऑल ऑफ अस विल अग्री कि बहुत टफ होता है चूज करना कि कौन सा किरदार सबसे फेवरेट है। आई थिंक एज एन एक्टर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्ले डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। आप अलग अलग दुनिया का हिस्सा बनते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स जीते हैं, तो डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है। ईच कैरेक्टर बिकम्स अ पार्ट ऑफ मी आई फील। तो इवन वो लेडी डॉन भी मेरे अंदर है अभी। एंड पर मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि इफ़ यू गाइज वुड चूज अ कैरेक्टर ऑफ माइन, आपको कौन सा पसंद है? एंड आरोही फ्रॉम आशिकी। यस हाँ, तो आई फील कि अल्टीमेटली ऑडियंस डिसाइड करती है। स्त्री में जो किरदार है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। आई हैव नॉट डन अ पार्ट लाइक दिस, और इस फिल्म में भी और ज़्यादा कुछ स्पेशल है, तो आई होप ऑल ऑफ यू विल लाइक इट। पंकज सर, योर सेंटर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। फर्स्ट, स्त्री में तो हमने देखा कि वो स्लोगन एक था, ओ स्त्री कलाना। क्या रियल लाइफ में अगर इतनी खूबसूरत भूत आपको मिले तो क्या रिएक्शन होगा? बोलेंगे कलाना या मत आना, क्या किस तरह का रिएक्शन होगा आपका? वो स्त्री मत जाना। ये तो वन लाइनर आंसर हो गए सर, तो अपनी फीलिंग थोड़ा सा जाहिर करेंगे आप? ओ स्त्री आते रहना। बहुत साल पहले इनकी जो स्त्री थी वो आ चुकी हैं, और वही रहेंगे जिंदगी भर। आप ऐसे पिटवाने वाले क्वेश्चन मत किया करो, घर भी जाना होता है वापस। राजकुमार, बैक टू बैक अभी फिल्म में आपकी माही और श्रीकांत, ऐसा फील हो रहा है कि सच में बॉलीवुड के राजकुमार नाम को जस्टिफाई कर रहे हैं, राजकुमार बनते जा रहे हैं बॉलीवुड के आप? हाँ, तो ट्रेलर में भी है ना वो, अब लगे ना असली राजकुमार। श्रीकांत और माही की सक्सेस के बाद अब स्त्री आई है, तब बने असली राजकुमार। तो आई थिंक यार, नो, आई फील वेरी ब्लेस्ड यार। आई थिंक गॉड हैज बीन रियली काइंड कि ये दोनों फिल्में चली, और स्त्री, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं स्त्री को लेकर। आई थिंक मेरी माँ की दुआएं हैं और ऑडियंस का प्यार है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। वो लेडी डॉन भी मेरे अंदर है। वो स्त्री मत जाना। आप ऐसे पिटवाने वाले क्वेश्चन मत किया करो, घर भी जाना होता है वापस। ट्रेलर में भी है ना वो, अब लगे ना असली राजकुमार। एक्चुअली एज एन एक्टर आई थिंक दैट ऑल ऑफ अस विल अग्री कि बहुत टफ होता है चूज करना कि कौन सा किरदार सबसे फेवरेट है। आई थिंक एज एन एक्टर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्ले डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। आप अलग अलग दुनिया का हिस्सा बनते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स जीते हैं, तो डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है। ईच कैरेक्टर बिकम्स अ पार्ट ऑफ मी आई फील। तो इवन वो लेडी डॉन भी मेरे अंदर है अभी। एंड पर मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि इफ़ यू गाइज वुड चूज अ कैरेक्टर ऑफ माइन, आपको कौन सा पसंद है? एंड आरोही फ्रॉम आशिकी। यस तो आई फील कि अल्टीमेटली ऑडियंस डिसाइड करती है। स्त्री में जो किरदार है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। आई हैव नॉट डन अ पार्ट लाइक दिस, और इस फिल्म में भी और ज़्यादा कुछ स्पेशल है, तो आई होप ऑल ऑफ यू विल लाइक इट। पंकज सर, योर सेंटर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। फर्स्ट, स्त्री में तो हमने देखा कि वो स्लोगन एक था, ओ स्त्री कलाना। क्या रियल लाइफ में अगर इतनी खूबसूरत भूत आपको मिले तो क्या रिएक्शन होगा? बोलेंगे कलाना या मत आना, क्या किस तरह का रिएक्शन होगा आपका? वो स्त्री मत जाना। ये तो वन लाइनर आंसर हो गए सर, तो अपनी फीलिंग थोड़ा सा जाहिर करेंगे आप? ओ स्त्री आते रहना। बहुत साल पहले इनकी जो स्त्री थी वो आ चुकी हैं, और वही रहेंगे जिंदगी भर। आप ऐसे पिटवाने वाले क्वेश्चन मत किया करो, घर भी जाना होता है वापस। राजकुमार, बैक टू बैक अभी फिल्म में आपकी माही और श्रीकांत, ऐसा फील हो रहा है कि सच में बॉलीवुड के राजकुमार नाम को जस्टिफाई कर रहे हैं, राजकुमार बनते जा रहे हैं बॉलीवुड के आप? हाँ, तो ट्रेलर में भी है ना वो, अब लगे ना असली राजकुमार।
कि श्रीकांत और माही की सक्सेस के बाद अब स्त्री आई है, तब बने असली राजकुमार. तो आई थिंक आई नो आई फील वेरी ब्लेस्ड यार. आई थिंक गॉड हैज बीन रियली काइंड कि ये दोनों फिल्में चली और स्त्री, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं स्त्री को लेकर. आई थिंक मेरी माँ की दुआएं हैं और ऑडियंस का प्यार है कि ऐसा हो रहा है.